तो दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति विदेशी इन्वेस्टमेंट के बिना हो ही नहीं सकती। ऐसा संभव है ही नहीं कि आप सारा कुछ पैसा अपने खुद के बूते लगाएं, सरकार लगाए और फिर आप अपने देश को आर्थिक सुपर पावर बना लें। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करने की कोशिश सोवियत यूनियन द्वारा की गई थी, लेकिन वो लोग विफल रहे। कहने का मतलब, आपको आपके मार्केट को खोलना पड़ेगा हर क्षेत्र में, ताकि विदेशी इन्वेस्टर्स आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और उससे आपके देश की प्रगति हो। अब भारत की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने ओपन कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि विदेशी इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी तक तरस रहे हैं। इवन कई सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर भारत की ही प्राइवेट कंपनियाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो इन सारी चीज़ों को अब खोल देने की आवश्यकता है। जैसे डिफेंस के क्षेत्र की बात की जाए तो भारत की भी बहुत कम कंपनियां हैं जो कि अभी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो इन्हें मौके देने चाहिए, तभी ना हम लोग आने वाले कुछ समय में कोई लॉकहीड मार्टिन या फिर बोइंग जैसी कंपनी को खड़ा कर पाएंगे। इसी तरह का एक और मामला है जहां पर भारत की तरफ से पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा दिया गया था, जिसमें कोई भी विदेशी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, और ये क्षेत्र था न्यूक्लियर एनर्जी का। जी हाँ, दरअसल भारत में जितने भी न्यूक्लियर स्टेशन हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ऐसे किसी भी पावर प्लांट के अंदर किसी भी विदेशी कंपनी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और इसमें बिल्कुल भी निवेश वो लोग नहीं कर पाते हैं। हालांकि कुछ भारत की प्राइवेट कंपनियां इसमें ज़रूर पार्टनर है और वो अपना छोटा मोटा योगदान ज़रूर दे पाती है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। कारण ये है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा है, कार्बन इमिशन को कम करना है, एक साफ़ सुथरी और सस्ती बिजली अगर हमें चाहिए तो उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी को खासा जोर देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर सोलर एनर्जी एक और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो 24/7 नहीं काम करता। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात की जाए तो 24/7 आपको न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करके देती है। इस वजह से इस सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। 1962 से ही जब ये सिस्टम भारत में शुरू हुआ और न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का काम भारत के अंदर किया जाने लगा, तब से ही इस सेक्टर में विदेशी इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया गया था। अब इस बैन की वजह से हम लोग किन किन चीजों से वंचित हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। ये एक यूएस की कंपनी है जो कि छोटे आकार के न्यूक्लियर स्टेशंस बनाती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन एक लिमिटेड क्वांटिटी में किया जाता है। जैसे इस कंपनी का दावा है कि इन्होंने इतना छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया है जिससे 300,000 घरों को बिजली पहुंचाई जा सकती है। शायद इससे छोटा भी बनाया जा सकता है, इससे थोड़ा और बड़ा भी बनाया जा सकता है, या फिर बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब, प्राइवेट कंपनियां खासकर विदेशों में कुछ ऐसी मुकाम हासिल कर चुकी है जिन्हें अगर इन्वेस्टमेंट के लिए छूट मिलती है तो भारत में आकर इसी तरह का कारनामा करके दिखा सकती है। हो सकता है कोई विदेशी प्राइवेट कंपनी इस बैन को हटा देने के बाद भारत आकर ये कहे कि ठीक है, दिल्ली हमें आप दे दीजिए, हम पूरी दिल्ली के हिसाब से जितनी भी उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है वो प्रोड्यूस करके देंगे। तो इस तरह की चीजें इसके बाद संभव हो सकती है। तो अब नीति आयोग द्वारा स्थापित एक सरकारी पैनल ने यह सिफारिश की है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के ऊपर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाए, जो कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत भारतीय सरकार द्वारा लगाए गए थे। और इसके बाद जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशंस हैं उनके विकास के लिए भारतीय सरकार ही जिम्मेदार थी। अब हम जानते हैं कि सरकार हर तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे सकती और विदेशी इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो सकता है। इसी वजह से यह सिफारिश दी गई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जल्दी ही स्वीकृति मिल जाएगी और इसके बाद विदेशी इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भी संभव हो पाएगा। इस समय अगर भारत की न्यूक्लियर एनर्जी की स्थिति देखी जाए दुनिया भर में, तो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी बिजली जनरेट करने के लिए पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है, जो भारत के अंदर टोटल बिजली जनरेट की जाती है उसका 2% तक देता है। इस समय भारत के अंदर कुल 7 पावर प्लांट्स में 22 से अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी अगर देखी जाए तो 6,780 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। इन टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से 18 रिएक्टर्स हैं। इन टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से 18 न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जबकि अगर 4 की बात की जाए तो वो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। लेकिन जब विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे उसके बाद ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो जाएगा, और ये जो इस समय न्यूक्लियर एनर्जी बिजली उत्पादन के लिए भारत के अंदर पांचवा जो सबसे बड़ा स्रोत बना बैठा है, ये नंबर 1 पर आ जाएगा, और नंबर 1 पर आने के बाद भी बाकी के स्रोतों को काफी ज्यादा बड़े स्केल पर ये हराएगा, और भारत के अंदर बिजली जनरेशन के लिए इसके बाद सबसे प्रमुख स्रोत यही होगा। इसीलिए विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए नीति आयोग द्वारा सिफारिश की गई है। अब इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जगह देनी चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।